चलो भाई अब आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्केल पढ़ेंगे ठीक है। इसमें क्या है स्केल में आपके हिसाब से दो स्केल है केवल, एक तो है प्लेन स्केल ठीक है, प्लेन प्लेन स्केल प्लेन मतलब ये वाली प्लेन प्लेन स्केल, इसको कहते हैं साधारण मापनी ठीक। और एक है दूसरी डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल इसको कहते हैं विकर्ण मापनी ठीक है, डायगोनल स्केल होगी विकर्ण मापनी। तो इसमें इनको आपको किस समय क्या कहेगा, आपको इनको ड्रा करने के लिए कहेगा, बनाना है आपको प्लेन मापनी दे दिया, कौन सी प्लेन स्केल दे दिया डायगोनल स्केल। इसमें आपको तीन मेन मेन पॉइंट है वो याद करने अच्छे से। सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको शॉर्ट में री फॉर आर ले लेंगे, री में से इसमें से एफ ले लेंगे, आर एफ बोलते हैं शॉर्ट में। और इसको हिंदी में ना होता है इसका निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न मतलब निरूपित करने वाली भिन्न फ्रैक्शन ठीक है। आर एफ, आर एफ क्या होती है बिल्कुल सिंपल है, आर एफ आर एफ इसमें क्या रहता है आपको दो तरह की डिस्टेंस होंगी। जैसे आपको सपोज कोई रोड बनाना होगा तो एक तो रोड की वास्तविक लंबाई होगी कितना लंबा रोड है, और एक क्या करेंगे आप जब इसका नक्शे पर बनाएंगे तो उसकी दूरी कुछ कम करके लेंगे ना, क्या करेंगे नक्शे पर माप होती है एक होती है वास्तविक माप, तो जो नक्शे पर होती है उसको पढ़ लेते हैं नक्शे पर माप, नक्शे पर माप इसमें कहते हैं इसको डायमेंशन या सीधे लिख देंगे लेंथ ऑन नक्शे पर लंबाई, नक्शे पर आपने जितनी लंबाई ले रखी है ठीक है लंबाई, लेंथ ऑन मैप, मैप पर जितनी लेंथ है ठीक है अपॉन में नीचे लेते हैं वास्तविक लंबाई, जो इसकी वास्तविक लंबाई थी वो वास्तविक लंबाई इसको कहते हैं एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ यानी कि मैप पर जितनी लेंथ है वो और एक्चुअल लेंथ जितनी है उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम आरएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है और आरएफ आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मापनी बनाने के लिए। एक तो हो गया आरएफ, दूसरा आता है इसमें पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ठीक है इसको कहते हैं अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी ठीक है। अधिकतम दूरी से मतलब हो गया आपको क्या होगा इस स्केल जो आप बनाएंगे उसकी कुछ ना कुछ दूरी नापने की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, वो कितना मैक्सिमम नाप सकता है तो वो होती है इसकी अधिकतम दूरी। सपोज आपने कह दिया आपको स्केल बना उसने कह दिया कि ये 10 मीटर तक नाप सकता है या 10 मीटर तक नापने के लिए पर्याप्त है, तो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये क्वेश्चन आपको देगा पहले से ठीक है, दिया जाएगा ये गिवन होगी वैल्यू इसकी, इसको शॉर्ट में एमडी बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को एमडी ठीक है, इसको ये आपको दिया जाता है क्वेश्चन में। और तीसरा जो होता है आपका तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप स्केल बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो तीसरा होता है लेंथ ऑफ स्केल, तीसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ स्केल शॉर्ट में इसको एल ओ एस बोल देंगे, मतलब मापनी की लंबाई, हिंदी में कहते हैं इसको मापनी की लंबाई, जो आप मापनी बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है। बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला इसका एल ओ एस का फॉर्मूला, एल ओ एस आपने जो आर एफ निकाला है उसका गुणा कर देंगे एम डी से, आर एफ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप एम डी से, मैक्सिमम डिस्टेंस है तो होता है लेंथ ऑफ स्केल। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो उस केस में या तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप एज्यूम कर लेंगे मान लेंगे खुद से, या फिर उसके लिए स्टैंडर्ड इसकी लेंथ होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है लेंथ की, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्केल जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, जब ना देखा तो 15 सेंटीमीटर की स्केल बना सकते हो जब भी नहीं दे रखी होगी। और एक बात और, जो आप मापनी की लंबाई निकालेंगे वो ऑलवेज टाइम सेंटीमीटर में निकालते हैं ठीक है, इसकी लंबाई किसमें निकालेंगे सेंटीमीटर में, चाहे कुछ भी दे रखा फिर भी आपको क्या निकालना सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करके। इतना क्लियर है, तो ये तीन पॉइंट हो गए, आरएफ हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ स्केल ठीक है। अभी कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं एग्जांपल, उससे समझाते हैं कैसे कैसे निकालना है और बनाना कैसे है स्केल का, एक एग्जांपल करते हैं। सॉरी यहाँ लिखा हुआ है सरल मापनी, मतलब सिंपल स्केल आपको बनानी है, सिंपल स्केल इसके लिए वैल्यू दे रखी है 1 मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, लेकिन आप जो मैप पर ले रहे हैं उसको 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, जो मैप पर डिस्टेंस हमेशा वो कम होती है ठीक है। आगे बोल रहा है मापनी 5 मीटर की लंबाई नापने के लिए पर्याप्त है,
मतलब जो स्केल है, स्केल कैन बी मेजर्ड अप टू 5 मीटर, केवल 5 मीटर तक ये माप सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कितनी है, वो 5 मीटर है, 5 मीटर से ज्यादा नहीं माप सकती है। ठीक है, इस पर कितना शो करना है, 3 मीटर और 4 डेसीमीटर की दूरी आपको इस पर शो करनी है। तो आपकी सिंपल स्केल लिखा है, पहले से अगर नहीं भी लिखा होता तो आप पहचान लेंगे, आप इसमें केवल 2 ही डिस्टेंस शो कर सकते हैं, 2 यूनिट को शो कर सकते हैं, और जो डायगोनल है उसमें 3-3 शो कर देते हैं। ठीक है, सिंपल में 2 करेंगे। करना क्या, सबसे पहले पॉइंट पे पहुंचेंगे आप, आरएफ निकालेंगे। ठीक है, आरएफ में क्या करते हैं, जो भी मैप पर डिस्टेंस होते हैं ऊपर लेते हैं, एक्चुअल नीचे लेते हैं, तो मैप वाली होती है कम, तो कम कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, नीचे कितना है 1 मीटर, समझ पा रहे। तो यहां से आगे क्या करेंगे, इसको भी आप सेंटीमीटर पर चेंज कर लेंगे, ऊपर 2 सेंटीमीटर था, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो है पहले से, यूनिट कन्वर्जन इन लेंथ वाली। ठीक है, तो चैनल में नीचे देख लेंगे आप, थोड़ा देर रखिए, वीडियो कितना हो जाएगा, 1/50 यूनिट कन्वर्जन आप दूसरी वाली वीडियो से पढ़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/50 हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, आरएफ की। आरएफ क्लियर है, यस, आरएफ आ गया 1/50। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्टेंस बताया था, एमडी अधिकतम दूरी, पहला पॉइंट आरएफ निकालते हैं फिर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, उसमें दे रखी है, मैंने बोला था गिवन होगी, कितनी दे रखी है, 5 मीटर, तो ये होगी 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5 मीटर है। अब यहां से क्या करना, आपको लेंथ ऑफ स्केल निकालना, एलओएस, एलओएस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, आरएफ को मल्टीप्लाई करते हैं एमडी से, मैक्सिमम डिस्टेंस से। ठीक है, तो मैं आरएफ कितना था आपका, 1/50 था, मैक्सिमम डिस्टेंस है 5 मीटर। मैंने बताया था कि LOS लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में आती है, इसको करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 1/50 × 5 और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, किसमें होगा सेंटीमीटर में, 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो आपको स्केल बनानी है उसकी लेंथ कितनी लेंगे आप, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आपकी तीनों पॉइंट निकल गए, अब देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे हम। तो बनाने के लिए मैं बता दूंगा आपको रूल, आरएफ क्लियर है, ये दे रखा था मैं 10 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है, तो मैं हटा रहा हूं। अब यहां से थोड़े से रूल समझेंगे कैसे कैसे बनाना है आपको, ये 3 पॉइंट आपको निकाल लीजिए। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको, जितनी भी लेंथ आई है स्केल की उतनी लेंथ खींच लेनी है आपको, ये 10 सेंटीमीटर थी, आपको स्केल में लेकर के 10 सेंटीमीटर खींच देनी है, इतना खींच दिया। अब यहां से आगे यहां पर आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होगा, 90 सीधा रहता है, इससे कम बनाना, कितना ही बना लो आप, 45 बना लो, 30 बना लो, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, इससे थोड़ी कम ले रहा हूँ, कितनी भी ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहां से लेने के बाद इसको, अब आपको जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी होगी उसमें 5 मीटर थी ना, तब क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी है उसमें उतने ही कट लगा देंगे, 5 मीटर है तो 1-1 मीटर के 5 आर्क लगाने हैं आपको, यहां से लेकर कैसे 5 बराबर डिस्टेंस पर 5 कट हो जाएंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 कट लगा दिए। पहले वाले को आप इसकी लेंथ से मिलाएंगे, ऐसे ये मिला दिया, फिर दूसरे को एमडी में सेट कर लेना, पैरेलल लाइन लेंगे सभी, फिर ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया, फिर ये मिला दिया, तो इस तरह से 5 पार्ट हो गए इसके। इसकी जो हाइट होती है ये वाली, ये है ये 1 सेंटीमीटर से कम होती है, तो 5 mm या 6 mm लगभग ले लेना आप, या फिर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो पूरा पूरा, इसकी हाइट को सिंपल इसके की जो हाइट है 1 सेंटीमीटर, इसको पूरा मिला दो सीधा, यस इतना मिल गया। इन पॉइंटों को आप ऊपर खींच दो, ये तो जो आपके 10 मीटर थे उसके कितने पार्ट हो गए, बराबर बराबर खींचना है, आर्क बराबर होंगे आपके, तो इस तरह से उसको थोड़ा इधर ले लो ताकि बराबर डिफरेंट बराबर लगे, इक्वल इक्वल 5 पार्ट हो गए। अब पहले वाले पार्ट पे लिखते हैं, पर 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये 1-1 मीटर के थे, 1 मीटर का ये था, 1 मीटर का ये 5, यहां से 0 से शुरू करते 4 तक आएगा, यानी मीटर यहां लिख देंगे, इधर लिखेंगे डेसीमीटर, डेसीमीटर क्योंकि पता है आपको 2 यूनिट करनी है आपको, 3 मीटर, 4 डेसीमीटर, इधर मीटर, इधर डेसीमीटर, यानी ये वाला जो 1 मीटर था, 1 मीटर पता है आपको 10 होते हैं डेसीमीटर, तो हमें इसके 10 पार्ट करने पहले वाले के, हर एक क्वेश्चन में आपको 10 ही पार्ट करने होंगे, तो पहला वाला जो आपका सब डिवीजन है ये वाला, इसके 10 पार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से एक और एक्यूट एंगल खींचेंगे, छोटा सा यहाँ से कोई एक्यूट एंगल खींचा आपने, ये वाला, इसके भी 10 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 0 से बनाएंगे इसको ऐसे करके, लास्ट वाले को ऐसे, ये सब मिला देंगे ऐसे, यस यस, 10 पार्ट हो गए, तो ये आपको 10 पार्ट खींच देते ऊपर खींच देंगे, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा,
दस है, आप समझ लेना पूरे दस है सीधे सीधे, ठीक है। टेन पार्ट, टेन पार्ट हो गए इसके। बाकी सर में अपनी यही थी सिंपल स्केल। अब आपको जो डिस्टेंस है वो शो करनी है, कितना 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर ही है, तो यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे 3 मीटर पर, और 4 डेसीमीटर यहाँ से कितना आपको 1 2 3 4, यहाँ से कुछ 4 आ रहा है, यहाँ 4 लिख देंगे और डेसीमीटर ऊपर है और इस डिस्टेंस को शो कर देंगे कितना था 3 मीटर कोमा करके 4 डेसीमीटर, ये शो कर दिया। और बीच में आरएफ लिख देंगे, आरएफ कितना दिया था 1/50 आ जाएगा, ऊपर आ रहा है कितना, यहाँ डिस्टेंस शो कर दिया। यस, बन गया आपके सिंपल स्केल।